30,000 के होटल में रहोगे, जैसे इंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। जब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पे यहाँ लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, अरे खड़े हो गए, चल रहा हो, पकड़े हो बस, मोटा फैजा हुआ, 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा। ये हंस तो मैं, तुम की शिकार जनरेशन कट्टा के बारे में पूछ रही है। बताओ कट्टा के बारे में, हंस तो मैं, तुम की एचएनएस जनरेशन, ये हंस तो मैं, तुम की शिकार, हाथ पर कंट्रोल ही नहीं है। अरे गुरु जी कट्टा के बारे में बता दो। अरे जाहिल पहले इसको सुन ले। इसलिए हर टीचर ये चाहता, हर टीचर कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। 30,000 के होटल में रहोगे, वहां जैसे एंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। जब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पेन यहां लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, अरे खड़े होके चल रहा हो, पकड़े हो बस, गोटा फैजा हुआ, 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा, उसमें से बदल वाला खैनी बना दिया, 3 बार छींक दिए। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठते हो, पैसा लिया है तुमसे, और भी बिजनेस क्लास में बैठे, बिजनेस क्लास में पर्दा लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में पर्दा लगाए हैं, पर्दा, और जैसे ही बिजनेस क्लास का यात्री बैठता है, तुरंत जूस, ये वो, मीनू, नैपकिन। तो जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठ के, उनको गरीबी का एहसास होता है कि यार बताओ यार। और सुनो, एयर इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है, वॉशरूम इज एट द रेयर, आगे मत जाना, राजाओं के लिए है, ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना कि यार एक दिन बिजनेस क्लास में बैठ के चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ बैठो वो अलग बात, बैठो वो अलग बात, उत्तेजित मत हो। आश्रम, यहां तुमको कष्ट सहना ही पड़ेगा, ये तापमान देना ही पड़ेगा। तभी तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, कष्ट में भी कुछ बात, दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, दर्द बदलेगा आपको। तो आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है, वो तपस्या शुरू करिए, खड़े होकर पढ़िए, मत बैठिए, ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए, ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम्हारा बाप माता रहे और गाली दे हमको कि यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहता। खड़ा होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़ा होकर पढ़िए, नींद आने की संभावना ही नहीं, ठंडी भी खा जा रही है। ये हस्त मैथुन की शिकार जनरेशन कट्टा के बारे में पूछ रही है। बताओ कट्टा के बारे में, हस्त मैथुन की एचएमएस जनरेशन, ये हस्त मैथुन की शिकार, हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। अरे गुरु जी कट्टा के बारे में बता दो। अरे जाहिल पहले इसको सुन ले, नहीं कोई गजनी फिर तुमको मारेगा, बुद्धि को खोल। अरे मीर जाफर वाले राजा है कि गुरु जी राजा बना दो, अरे भिखमंगे, राजा तो प्रभु राम है, राजा बनने का सूत्र तो डॉक्टर अंबेडकर को पता है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहां ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बोल ही नहीं पा रहे हैं। पूछो एआई क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गुरुजी, क्या है, दिमाग, दिमाग को पढ़ता है ये, पता ही नहीं ट्रांसफर क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पता ही नहीं, और चले आ रहे हैं दिल्ली की तरफ की आईएएस बनना है। देखो जितने पढ़ने वाले लोग हो सब चुपचाप पढ़ो, बाकी कोई क्या कर रहा है, तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो यार, जो जो कर रहा करने दो, पैसा मिला है भैया 500 रुपया, इससे कुत्तों को रोटी दी जाती है, इससे इनको पैसा मिला है लिखने के लिए, तुम लोग चुपचाप पढ़ो, तुम किसी को मत टोको, जो पढ़ने के लिए बैठे हो चुपचाप पढ़ो, वो भी बेचारे कमा खा रहे हैं यार, उनका भी घर है, लड़के बच्चे हैं। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ ये होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता, हर टीचर कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। तो कॉम्पिटिशन, जब आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम, जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, दो चीजें लो पहले,
एक मेंस का आंसर और एक प्रीलिम्स का।